आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। लॉकडाउन के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न पर रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक खासी चर्चा बटोर रही है। वेब सीरीज को बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने बनाई है। अगर तकनीकी और विषय के रूप से देखा जाए तो ये काफी अच्छी वेब सीरीज साबित होती है, लेकिन ये वेब सीरीज इस्लामोफोबिया पर करारी चोट करती है। साथ ही बताती है कि एक सामान्य अपराध को भी आतंकी घटना बनाकर कैसे सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा सकता है। पाताल लोक तमाम खूबियों के बावजूद विवादों में घिर गई है। इस वेब सीरीज की एक बड़ी गलती सवालों के घेरे में है। देखिए रिपोर्ट। इस वेब सीरीज की एक बड़ी गलती की वजह से मुसलमानों के अकीदे पर गहरी चोट पहुंची है। हालांकि इस वेब सीरीज के कंटेंट को देखकर ये भी लगता है कि निर्माताओं से एक भारी चूक हो गई है, मगर इतने हंगामे के बाद भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आना साजिश की तरफ भी इशारा कर देता है। ये गलती जानबूझकर की गई है या अनजाने में हुई है, अब तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। वेब सीरीज के मुताबिक चार अपराधियों को एक बड़े मीडिया पर्सनैलिटी की हत्या करने की सुपारी मिलती है। चारों पकड़े जाते हैं। खेल है कुछ और दिखता कुछ और है। इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। सुपारी एक यूपी का बड़ा राजनेता देता है। बाद में सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है और सीबीआई सामान्य आपराधिक साजिश में पाकिस्तान, नेपाल और मुसलमान तलाश देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन चारों अपराधियों में से एक कबीर मुसलमान है और उसके एक भाई को लिंचिंग में मारा जा चुका है। कबीर एम मुजफ्फरनगर का एक रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की जांच से सीबीआई कबीर एम को दिल्ली जामिया इलाके बटला हाउस के एक फ्लैट से कुछ उर्दू और अरबी लिटरेचर बरामद दिखाती है और यही हथियारों की बरामदगी करती है। इसे जिहादी यहां से बताया जाता है। पुलिस बरामद किताबों को जिहादी लिटरेचर बताती है। उनमें फजाइल अमाल भी है और इसे पर्दे पर दिखाया जाता है। बस इसी को लेकर मुसलमानों में सवाल उठ रहे हैं। फजाइल अमाल को मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के बड़े उस्ताद मौलाना मोहम्मद सिकरिया ने लिखा था। वो कांधरा के रहने वाले थे। कांधरा शामली जनपद में आता है। यही पास में ही थाना भवन है जहाँ के मौलाना अशरफ अली थानवी ने बहिष्यत जेवर लिखी है। ये दोनों किताब खासकर देवबंद और तबलीग जमात से जुड़ी है। मुसलमानों के घर में लगभग ये किताबें पाई जाती हैं। दावा किया जाता है कि इन दोनों विद्वानों ने इन्हें कुरान और हदीस के कई साल अध्ययन के बाद लिखा है। मौलाना जिकरिया के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने फजाइल अमाल लिखने के लिए 40 साल रिसर्च की। हालांकि मुसलमानों के सभी फिरके इस पर एक राय नहीं रखते, मगर वेब सीरीज में फजाइल अमाल की इस तस्वीर से नाराज हैं। फजाइल का मतलब फायदे से होता है। आप ये जान लीजिए, इस किताब में सहाबी मर्दों, औरतों और बच्चों के जुहद व तकवा फिक्र, इबादत, इल्मी मशागीत, इसार और हमदर्दी के किस्से बयां फरमाए गए हैं। ऐसी बेहद ज़रूरी इस्लाह करने वाली किताब को किसी बुरे मकसद से पेश करना नहायत ही एतराज़ के लायक है। वेब सीरीज पाताल लोक के निर्माताओं की तरफ से अब तक इस कृत्य पर कोई खेद नहीं जताया गया है। ये भी अधिक पीड़ादायक है कि उन्हें उर्दू की हर एक किताब आतंकवादी की किताब लगती है। डायरेक्टर ने तब इसे पढ़ा क्यों नहीं, ये चूक भी अपराध से कम नहीं है। इसके अलावा जन्नती जेवर और दावत नाम वाली दो अन्य किताबों को भी वेब सीरीज में दिखाया गया है। ये दोनों किताब जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का तरीका बताती है और हिंसा का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फजाइल अमाल तो तमाम मुसलमानों के घर में जीनत की तरह दिखाई देती है। इससे पहले एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर आई स्पेशल उप्स नाम वाली सीरीज में मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित एक महिला को आत्मघाती हमलावर के तौर पर दिखाया गया था। सादिया कुरैशी नाम की महिला बाद में ब्लास्ट नहीं कर पाती है। जाहिर है कि अब ऐसी वेब सीरीज पर सवाल पैदा हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के लिए बने रहे न्यूज मैक्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।